हां करने के बाद इस हसीना ने ठुकराया खतरों के खिलाड़ी का ऑफर। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, शो में नजर आने वाले हैं और कौन से नए कंटेस्टेंट। हेलो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल, आप देख रहे हैं टेली रिपोर्टर। हम बात कर रहे हैं टेलीविजन के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस प्रियंका चहल चौधरी की, जिन्होंने बिग बॉस 16 में अपने टास्क, अपने माइंड गेम और अपने कैरेक्टर का हुनर दिखा के सभी दर्शकों का दिल जीत लिया। तेजो के किरदार में आप इसे पहले ही देख चुके थे, कलर्स टीवी के शो उडारिया के जरिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फेम कमाया। बाद में वो बिग बॉस 16 में आई, प्रियंका को इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि लोग उन्हें विनर तक मान रहे थे, लेकिन ट्रॉफी उनके हाथ में आते आते रह गई। अब बिग बॉस का शो तो खत्म हो गया है, लेकिन कंटेस्टेंट्स को लेकर जो क्रेज़ है वो आज तक बना हुआ है। खासकर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रियंका चहल चौधरी की, चाहे उनके स्टाइल की बात करें, उनके एक्टिंग की या उनके डेयर डेविल नेचर की। अब ऐसे में काफ़ी दिनों से खबरें आ रही थी कि वो जल्द ही कलर्स टीवी के स्टंट बेस्ड रियलिटी शो के खतरों के खिलाड़ी 13 सीजन में नजर आएंगी, लेकिन अब खबरें जो सामने आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि इस शो का हिस्सा बनने से प्रियंका चहल चौधरी ने इनकार कर दिया है। पहले ऐसी खबरें थी कि उन्होंने ये शो के लिए हाँ कर दिया है और जल्द ही वो इसमें नज़र आने वाली है। प्रियंका के फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे उन्हें दोबारा टेलीविज़न के पर्दे पर देखने के लिए, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं उससे इनके फैंस का दिल टूट सकता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। प्रियंका ने अब तक खतरों के खिलाड़ी को लेकर कोई भी अपना कॉन्फर्मेशन नहीं दिया है कि वो इस शो का हिस्सा बनेंगी या नहीं। आप प्रियंका चहल चौधरी को खतरों के खिलाड़ी में देखना पसंद करेंगे या नहीं, या फिर आप उन्हें किसी अलग तरीके के प्रोजेक्ट में देखना चाहते हैं, हमें अपनी राय कॉमेंट के जरिए ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।